हिमाचल प्रदेश मुलाकात लेवामां आवी हती, जेमां डेलहाउसी, खजियार, मनालीनी सफर करावामां आवी हती। मेरा नाम कौसर जाफरी है और मैं इस इंडस्ट्री में 20 साल से हूँ और 20 साल से मैंने कई फाइव स्टार होटल्स चलाए हैं, जो पिछले शुरू के 15-16 साल मैंने सारे फाइव स्टार होटल जैसे ताज है, हयात है, ललित है, ओबरॉयज है, ऐसे होटलों में मैंने काम किया है एज अ जीएम। उसके बाद 2019 में मैंने प्लान किया कि अपना ब्रांड स्टार्ट करने, तो हमने ब्रांड स्टार्ट किया फोक्सोसो होटल्स। हमने पूरी तैयारी की एक साल कि हर वो चीज़ का ध्यान दिया जाए जब हम अपना होटल खोलें, तो हर ब्रांड का, हर बड़े फाइव स्टार, हर बड़े दुनिया के हर बड़े ब्रांड का जो मिक्स है वो मिला करके मैंने ये ब्रांड खड़ा किया, फोक्सोसो होटल्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। स्पेशली जो हमने इस होटल के लिए प्लान किया था वो ये किया था, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था बहुत ज़्यादा जर्मन, स्पेनिश, बिफोर करोना जब तक इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑन नहीं थी, तो जर्मन, स्पेनिश और ये सब बड़े सारे लोग आते थे। स्पेशली जो हमारे टूरिस्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं गुजरात से, क्योंकि जब मैं इससे पहले भी होटल जो चला रहा था श्रीनगर में, हमने प्योर वेजिटेरियन होटल चलाया था और गुजराती खाना और गुजरात के लोग के हिसाब से ये सारा होटल हमने बनाया है, जो उनके खाने का चॉइस होता है जैसे सेव टमाटर, थेपला, खमन ढोकला, इस तरह की चीज़ों को हमने प्रेफरेंस दी है और वहाँ से शेफ़ रखा है कि वो लोग जब आएँ तो परेशानी ना हो। सिमिलरली मैंने स्पेनिश लोगों के लिए उनके हिसाब से उनका खाना के हिसाब से रखा है, जर्मन्स के लिए अलग है। और जो हमारा आप ये देखोगे रूम मेक माई रूम और D&D सब में हमने 3-4 भाषा में लिखा है फॉरनर्स के लिए, और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो महाराष्ट्रियन फूड का भी हमने ऑप्शन रखा है, लेकिन मेजरली जो हमारा है वो गुजरात मार्केट के लिए ही हम कैटर करते हैं इस होटल को। उनकी जो चॉइस है, कई चीज़ें तो हम एज पर गेस्ट बनाते हैं। अभी जैसे अमीश भाई का ग्रुप आ रहा है तो उन्होंने बोला कि मुझे सेव टमाटर चाहिए, मुझे ढोकला चाहिए, मुझे थोड़ा सा कढ़ी चाहिए, तो हमने उनके हिसाब से, वो उन्होंने कहा कि मुझे जैन फूड में ज़्यादा चाहिए। हम कस्टमर स्पेसिफिक हैं, हम रिजिड नहीं हैं, हम कस्टमर के हिसाब से खाना बनाते हैं करते हैं। अभी 10 तारीख को दिनेश भाई की 30 रूम की बुकिंग थी, 50-60 लोग आए थे हमारे पास, तो उनका ये था कि मुझे गुजराती खाखड़ा ही चाहिए, तो हमने गुजराती खाखड़ा खास करके, मतलब कि आपके तो लड़के बना रहे हैं लेकिन गुजराती खाखड़ा, टिपिकल गुजराती खाखड़ा, तो हमने वो मंगवा के दिया। तो इट्स लाइक कस्टमाइज्ड काम करते हैं हम, फॉर स्पेशली जब हम गुजरात की बात करते हैं। बाकी जगह के लोग खाने के उतने शौकीन नहीं हैं, लेकिन गुजरात के लोग यहाँ पे आते हैं तो हम उनका ख़ास ख्याल रखते हैं। हम सबसे पहले आजकल जब से कोरोना काल आया है तो इस होटल में ख़ास के, सब ब्रांड न्यू होटल, ये जो हमने अभी खोला एकदम ब्रांड न्यू है, और इस होटल में हमने एक तो
जो इंटीरियर है लग्जरी है कि बड़ा होटल में आते के साथ वो बाहर से आए, हमने बहुत डिम, लेकिन जब हम बाकी चीज़ों की बात करें एज़ पर कोरोना, तो हर चीज़ हमने कॉन्टैक्टलेस, जैसे वो गेस्ट इंट्री करते हैं तो उसके बाद पहला काम हम करते हैं उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, उनका जो लगेज है वो सैनिटाइज़ करते हैं, उनके हाथ सैनिटाइज़ करते हैं, पूरे होटल में हमने लगवाया हुआ है हैंड सैनिटाइज़र, और एट द टाइम ऑफ चेक इन और कोई गेस्ट मास्क पहन के आया है तो उसको दे देते हैं, हम खुद यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं अगर उन नहीं पहन के आया है। और सिमिलरली कॉन्टैक्टलेस चेक इन है, मेन्यू में भी हम QR कोड दे देंगे कि भैया मेन्यू अगर आपको टच नहीं करना है क्योंकि तो उसका भी QR कोड से आप मेन्यू से ऑर्डर कर लें। सब कुछ कॉन्टैक्टलेस करने का प्लान है जब तक ये कोरोना काल चल रहा है। देखिए हमारा सर्विस जब गेस्ट होटल में आता है तब से शुरू नहीं होता है, हमारा सर्विस गेस्ट ने पहली बार जब कॉन्टैक्ट किया तब से शुरू हो जाता है। जब उसने कॉन्टैक्ट किया कि मुझे रूम चाहिए तब से शुरू हो जाता है। उनके आने से पहले गेस्ट को हम कॉल करते हैं, उनका कंफर्मेशन नंबर भेजते हैं, उनको होटल का लोकेशन भेजते हैं और उनसे लगातार जिस दिन आना है उस दिन भी कॉन्टैक्ट करते हैं कि आपको कोई गाड़ी वगैरह चाहिए कि नहीं, कहाँ से पिकअप करना है, क्या करना है, वहाँ से हमारी सर्विस शुरू। हमारा पर्सनलाइज कार जाता है, उनको पिकअप करता है, ले करके आता है। और होटल में भी हम गेस्ट को टाइम नहीं लगवाते कि भाई आप आए हैं तो चेक इन भर रहे हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ की हुई रहती है और वो उनको सिर्फ साइन करना है, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्स हम पहले ही मांग लेते हैं कि जब वो चेक इन करें तो उनको दिक्कत ना हो, आए और अपना साइन करें और रूम एलोकेशन होता रहता है। हमारे पास सारे रूमों में कार्ड लगे हुए हैं, बस कार्ड दिखाना है और रूम खुल जाता है। और रूम में भी हम हर वो तरह की, और उसके बाद जब वो चेक इन कर लेते हैं तो उसके बाद भी हम कॉल करके उनसे पूछते हैं कि भाई आप कंफर्टेबल उस रूम में हैं या नहीं। अगर वो हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी वजह से किसी को कुछ व्यू पसंद नहीं आ रहा है या कुछ आ रहा है तो हम रूम चेंज करने में भी वक्त नहीं लगाते, तुरंत के तुरंत हम रूम भी चेंज कर देते हैं। और वाइल स्टेइंग, जो मैंने पहले भी बताया, गेस्ट के हिसाब का खाना, और गुजराती खाना या फिर महाराष्ट्रियन खाना या फिर कॉन्टिनेंटल खाना, हर तरह के चीज़ों का ख्याल रखते हैं। 1 point कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, हॉटलाइन नंबर देते हैं गेस्ट को कि आपने 9 डायलिंग किया, 222 डाइन किया, जो एक फ्रंट ऑफिस है, उसके अलावा भी अगर आपको परेशानी है तो आपके पास हॉटलाइन नंबर है, उस पर कॉल करेंगे तो वो कॉल सीधा मेरे पास आएगा, सो दैट किसी गेस्ट को कोई परेशानी नहीं हो। देखिए जो भी रूम हम दे रहे हैं उसको पूरी तरह सैनिटाइज्ड होता है, फॉगिंग होता है, हर चीज़, जो लेनिन है, लेनिन में भी हम सारा वेरी हाई एंड डिटर्जेंट वगैरह इस्तेमाल होता है कि गेस्ट को जो रूम मिले एकदम क्लीन और हाई हाइजीनिक मिले, कि उसको कोई परेशानी ना हो, रूम में किसी भी तरह का कोई भी गंदगी ना दिखे और कुछ ना दिखे, और हर चीज़, चाहे वो स्टडी टेबल हो, टीवी हो, और हाँ जहाँ तक हम, एक तो हाइजीन की बात हो गई, टीवी आजकल स्मार्ट ज़माना है तो हमने टीवी में रेगुलर चैनल नहीं है, सारे होटल में स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, वो सीधे यूट्यूब खोलेगा और यूट्यूब से इसको जो मन करे वो देख सकता है, ना कि एक पर्टिकुलर चैनल में वो बंधा हुआ नहीं है। बस यही कहना चाहते हैं, समझ लीजिए आपका एक घर है दिल्ली में, जहाँ पे आप बिना किसी झिझक, बिना किसी परेशानी, आप बस एक कॉल कीजिए, आपका रूम कंफर्म हो जाएगा और आपको लगेगा कि घर में कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं कि पहले पैसा दो, ये करो, कुछ नहीं, आप सिर्फ कॉल कीजिए कि मैं इस दिन आ रहा हूँ, हम आपका रूम यहाँ पे रखेंगे और सारा कंफर्मेशन, जो भी काम करना होगा वो हम करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ आकर के ठहरने में। मेरा नाम है कौसर इमाम जाफरी और मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। ये कंपनी जो चल रही है, हम लोग 3 मिला के चलाते हैं, पीयूष भाई अग्रवाल हैं, सपन भाई अग्रवाल हैं, तो हम लोग तीनों मिलकर के ये चलाते हैं इस पूरे सिस्टम को, फॉक्सोसो हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को। दिल्ली थी TLC नी समग्र टीम अने तमाम एजेंटों तथा अब तक मीडिया हाउस ए हवे दिल्ली थी आगळ प्रवास करवा जई रह्यु छे, त्यारे आपणी साथे जोड़ावा जई रह्या छे प्रितेश भाई मेहता, કે જેઓ મહેતા હોલિડેઝના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છે। તો પ્રિતેશભાઈને જ પૂછીએ કે અહીંયાથી આપણે દિલ્હીથી, પ્રિતેશભાઈ પ્રથમ તો ક્યાં છે? દિલ્હીથી આપણે અત્યારે નીકળી છીએ, પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ અમૃતસર માટે। અમૃતસરમાં ત્યાં શું પ્લાન છે? અમૃતસર આપણે ત્યાં પહોંચી અને સાઇટ સીન થશે અને સુવર્ણ મંદિર આપણે જોશું અને હોટલ ઉપસ્થિત હશે।
અમૃતસર ગયા બાદ ત્યારબાદ એ પછીનો પ્લાન શું છે? ત્યાંથી આપણે ડેલહાઉસીનો પ્લાન છે. ડેલહાઉસી ટુ નાઇટ છે ત્યાં કને ડેલહાઉસી, અને ત્યાં આપણે આપણો હોટલ એકોમોડેશન છે અને ત્યાં સાઇટ સીન પણ થશે. અને ખાસ કરીને દિલ્હીમાં આપ રોકાયા છો ત્યારે દિલ્હીની મહેમાનગતિ કેવી રહી? ઓ વાવ, દિલ્હીમાં તો આપણને બહુ મજા આવી. એક તો આપણે ડી પેવિલિયનમાં ઉતર્યા હતા, ત્યાં પણ એ લોકોની મહેમાનગતિ, સવારનો બ્રેકફાસ્ટ બહુ સરસ હતો. પછી આપણે અહીંયા કને ડિનર આપે ફોક્સસ હોટલવાળાએ આપ્યો હતો, એ પણ ડિલિશિયસ, એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ, બહુ મજા આવી. તો આ હતા મહેતા હોલિડેઝના પ્રિતેશભાઈ મહેતા, કે જેઓ આ દિલ્હી અને હિમાચલના પ્રવાસમાં જોડાઈ રહ્યા છે આપણી સાથે. અને કહેવાય કે હવે અબ તક અને ટીએલસીની ટીમ એ દિલ્હી છોડી અને જઈ રહી છે અમૃતસર બાજુ. તો જોડાયેલા રહેજો. કેમેરામેન દર્શન વાડોલિયા સાથે સ્મિતરાજ ઝાલા, અબ તક ન્યૂઝ, દિલ્હી. ટીએલસી અને અબ તકની ટીમ કે જે હિમાચલની ટૂર ઉપર નીકળી છે, અને આ હિમાચલની ટૂરમાં સૌ પ્રથમ પ્લેસ એટલે કે અમૃતસર સિટી, અને આ અમૃતસર સિટીમાં વિશ્વવિખ્યાત ગોલ્ડન ટેમ્પલ કે જ્યાં ટીએલસીની ટીમ અને અબ તક આવી પહોંચ્યું છે. તો આપણી સાથે જોડાવા જઈ રહ્યા છે રાજેશભાઈ સવાણી, કે જેઓ સેવન લાયન રિસોર્ટના એમડી છે અને પોતે ટ્રાવેલિંગ કન્સલ્ટ પણ છે. તો જી રાજેશભાઈ, આ ગોલ્ડન ટેમ્પલની બહાર આપણે ઊભા છીએ, કેવું ફીલ થાય છે? આ સરદારોની ભૂમિ, ક્રાંતિકારીઓની ભૂમિ, શહીદ ભગતસિંહની ભૂમિ પંજાબ ઉપર, પંજાબના અમૃતસરની અંદર ગોલ્ડન ટેમ્પલની બહાર આપણે ઊભા છીએ ત્યારે ગૌરવની આપણે કહેવાયને કે અનુભૂતિ થાય છે. એક ક્રાંતિકારી તરીકેની જે કંઈ ફિલિંગ હોય છે એની અનુભૂતિ થાય છે, અને ગોલ્ડન ટેમ્પલની બહાર ઊભા છીએ ત્યારે કંઈક અનેરો આનંદ મળી રહ્યો છે. અને આપણી આજે ટીએલસીની ટીમ અહીંયા આવી છે ત્યારે આજે મને બહુ મજા આવે છે અહીંયા. અને ખાસ કરીને કે સરદારોનું માન એવી પાઘડી તમે પણ પહેરી છે, શું કહેવા માગશો? સાહેબ, સરદારોની જે કહેવાય ને કે પાઘડી છે, એમની આન બાન અને શાન છે, તો આ પાઘડી અહીંયા આપણે આવીને પહેરવી જ જોઈએ એવું અંગત રીતે માનું છું. અને એનો એની આનંદ જ અલગ છે. આપણે એવું લાગે કે આપણે સરદારોની ભૂમિ ઉપર આવીને સરદાર બની ગયા છીએ, આપણામાં ક્યાંક ને ક્યાંક ભગતસિંહ છે એવું આપણને ફિલિંગ આવે છે. माय नेम इज सुदीप कुमार शर्मा एंड मेरे होटल का नाम है ट्री हाउस लंडन स्ट्रीट. ये एक ट्री हाउस लंडन स्ट्रीट एक ट्री हाउस ग्रुप ऑफ होटल्स का पार्ट है, जिसके हमारे 22 होटल हैं पैन इंडिया के अंदर. ये हमारा अमृतसर के अंदर स्टार्ट करा हुआ नया होटल, जिसके अंदर 34 रूम्स हैं एंड वी हैव थ्री कैटेगरीज ऑफ रूम. डिलक्स रूम विद द साइज ऑफ 200 स्क्वायर फीट, सुपीरियर रूम विद द साइज ऑफ 300 स्क्वायर फीट एंड स्वीट रूम विद द साइज ऑफ अपना 575 स्क्वायर फीट. एंड इसके अलावा हमारे पैन इंडिया लोकेशन है. अपार्ट फ्रॉम दिस होटल हमारे 21 और होटल्स है, जिसके अंदर रिजॉर्ट, सर्विस अपार्टमेंट, विला, सारी चीज़ें आती हैं. जैसे मैं स्टार्ट करूँ, अपना गुड़गांव के अंदर होटल है, फिर वी हैव 7 डेस्टिनेशन इन राजस्थान ओनली, वी हैव 7 होटल्स, रिजॉर्ट, सर्विस अपार्टमेंट इन गोवा. फिर हमारा उत्तराखंड कॉर्बेट के अंदर है, और हमारा हिमाचल प्रदेश शैल के अंदर एक होटल है, रिजॉर्ट है सर, आई मस्ट से. तो ये वी आर अ ग्रुप ऑफ होटल्स एंड वी आर ओनली लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व द गेस्ट विद द फिलॉसफी ऑफ सर्विस दिल से. तो यही चीज़ें हमारे होटल और मेरे बारे में, और बाकी बताइए. सर, टीएलसी का ग्रुप हमारे पास आया है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है सुन के. एंड ऑल ऑब्वियसली टीएलसी इज एन हॉस्पिटैलिटी ग्रुप ओनली, कि सारे के सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, मतलब रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ओनली. तो उनके साथ काम करके, उनकी सर्विस करके, ऐसा लगा कि घर के बंदे वापस आ गए हैं.
तो इस चीज़ से हमें बहुत अच्छा लगा सर। कोरोना का समय है, शांति रखिए, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, अपना ठीक हो जाएगी सारी चीज़, एवरीथिंग विल गेट बेटर एज सून एज आई थिंक इट्स गोइंग टू हैपन सून। नमस्कार, मैं सिल्फ राजेंद्र मल्होत्रा, जनरल मैनेजर होटल नेचर वैली रिजॉर्ट टोलॉजी। ये हमारा होटल न्यूली स्टार्टेड है एज ऑफ नाउ, इसका हमने दिसंबर में ओपनिंग किया था और होटल में हमारे टोटल 45 रूम्स हैं विद नंबर ऑफ कैटेगरीज 4, एग्जीक्यूटिव, डिलेक्स, सुपर डिलेक्स एंड लग्जरी। बिसाइड्स दैट एमिनिटीज में हमारे पास रेस्टोरेंट विद ओपन एयर टेरिस, जिम, स्पा, गेम्स रूम, बिग अपना बैंकेट हॉल सॉरी एंड स्विमिंग पूल एंड पार्किंग स्पेस। रूम्स हमारे वही 4 टाइप्स ऑफ मैंने आपको बताया जो कैटेगरीज हैं, तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव हमारी बेस कैटेगरी है, ठीक है, बट ऑल रूम्स एज पर एम्यूनिटीज सेम है, खाली कैटेगरी वाइज व्यू, बालकनी, नॉन व्यू, ये थोड़ा डिफरेंस है। इनसाइड हम स्टार्टिंग बेस कैटेगरी से हायर कैटेगरी की बात करें, ऑल रूम्स आपका कंप्लीट टॉयलेटरीज, आपका हेयर ड्रायर, टेबल लैंप, स्टडी टेबल, ऑलमोस्ट ऑल दिस बेसिक एमिनिटीज। मैं आपको बताया ऑल टॉयलेटरीज, कॉम, डेंटल किट, शेविंग किट, आपका शैम्पू, मॉइस्चराइजर, शावर कैप, सारा। ये मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट है हमारा, नॉर्थ इंडियन तो सारा कंप्लीट चलता है, ऑल काइंड ऑफ। बिसाइड्स दैट हम अपना लोकल क्विजिन है हमारा, जो हमारे लोकल मैगजीज या फंक्शंस में रहता है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। थाली सिस्टम हम एक रेगुलर सिस्टम पे चलाते हैं और हमारे बहुत से लोग जो डलहौज़ी या हिल स्टेशन की हम बात करें हिमाचल की, तो बॉम्बे, गुजरात के जो भी लोग, उनके लिए हमारे पास उनकी जितनी डिशेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं हम उनको देते हैं। हमारे रेस्टोरेंट की फेवरेट डिश तो इट डिपेंड्स ऑन टेस्ट, बाकी हमने यहाँ का क्या है कि होटल नेचर वैली का एक महाराजा प्लाटर और एक महारानी प्लाटर बनाया हुआ है। महाराजा प्लाटर दैट इज़ अ वेज सॉरी नॉन वेज एंड महारानी प्लाटर दैट इज़ अ वेज, जो हमारे यहाँ क्या किसी को स्पेशल अगर होटल का चाहिए तो वो हम देंगे। जो देखो जो भी लोग आ रहे हैं हम उनको जो भी हमारे पास कन्फर्मेशन प्री बुकिंग्स हैं उनमें जो भी कोविड के रूल्स एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो भी है हम उस आगे कर रहे हैं, मतलब मास्क कंपलसरी किया हुआ है, किसी गेस्ट के पास मास्क नहीं है तो हम उसको रिसेप्शन पे दे रहे हैं, थर्मल गन से उनका टेम्परेचर स्कैन हो रहा है, सैनिटाइज हो रहा है, लगे सैनिटाइज हो रहा है, और सेम एज जो भी इन केस ऑफ ग्रुप वगैरह तो एक सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का हम उनको प्रॉपरली रखते हैं कि भाई थोड़ा सा इसको मेनटेन रख के चलें। मेरा नाम एकता, मिसेस एकता खान का, माय हस्बैंड्स नेम मिस्टर अजय खान का, और हम दोनों ने ये प्रॉपर्टी नेचर वैली बनाया है बनीखेत में। सो वी आर न्यू टू दिस बिजनेस। सी चैलेंजेस ऐसा है, हिमाचल में कंस्ट्रक्शन हमेशा एक चैलेंजिंग रहा है,
क्योंकि यहाँ के क्लाइमेटिकली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो हमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े, बट एनी हाउ अभी रिजल्ट अच्छा है, सबको पसंद आ रहा है, तो वी आर आई मीन मच मोर प्लेजर्ड। देखिए बिना स्टाफ के मैं इस तरह की कोई भी फैसिलिटी या कोई भी हॉस्पिटैलिटी मैं नहीं कर सकती हूँ विदाउट सपोर्ट ऑफ माय स्टाफ। मेरा स्टाफ है तो मेरा फर्म है इस टाइम पे, यू नो, सिर्फ बिल्डिंग बनाने से ये सब नहीं चलता है, स्टाफ को कोऑपरेशन, स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़रूरी है, और स्टाफ का और हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो यस, स्टाफ, अगर आपको ये हॉस्पिटैलिटी पसंद आ रही है बिकॉज मेरा स्टाफ उस टाइम पे बिल्कुल अपने काम पे फ्रंट फुट पे है। सी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और वुमेन एम्पावरमेंट देखिए तब तक है जब तक आपको सपोर्ट है, आपकी फैमिली का सपोर्ट है। सो जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इट कुड बी देयर पेरेंट्स सपोर्ट और देयर स्पाउस सपोर्ट, तो मेरे केस में ये था कि मेरे हस्बैंड का फुली सपोर्ट मेरे को था। हाँ, तो मैं ये सब सिर्फ उनके साथ ही कर पाई हूँ, अदरवाइज़ मेरे उनके सपोर्ट की वजह से ही कर पाई हूँ। देखिए हमने शुरू ही कोविड में ही किया एक्चुअली, सो आई थिंक थोड़ा सा स्टार्ट ही कुछ शेकिंग स्टार्ट हो गया ये। सो अभी हम यही अपने जितने भी गेस्ट हैं, जो मतलब अपकमिंग गेस्ट हैं, उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमें भी मौका दीजिए, हम नई प्रॉपर्टी लेके आए हैं, होपफुली आपको बहुत पसंद आएगी, एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू प्रमोट दिस प्रॉपर्टी। आई एम मेघा ठक्कर, प्रोप्राइटर ऑफ मे टूर्स एंड ट्रेवल्स बेस्ड इन मुंबई। वी आर इन दिस फील्ड फ्रॉम 11 ईयर्स, लाइक वी आर इन टू FIT ग्रुप बुकिंग, वी आर इन टू B2B एंड B2C बोथ, लाइक वी आर इन टू इवेंट्स ऑल्सो, वी आर स्पेशलाइज्ड इन चारधाम यात्रा, लेह लद्दाख यात्रा, एंड बेसिकली इन डोमेस्टिक वी आर स्पेशलाइज्ड इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ डोमेस्टिक, लाइक स्पेशलाइज्ड इन हिमाचल, उत्तराखंड, लेह, एंड वी हैव चारधाम शेफ कारवा टूर्स विद द शेफ, एंड इट्स लाइक 51 ईयर्स ओल्ड, सो माई अंकल यूज टू लाइक हैंडल दैट, एंड देन आई हैव टेकन ओवर दैट। वी हैव लॉट्स ऑफ बंगलोज, वी रेंट दैट बंगलोज इन लोनावाला एंड कपोली एंड ऑल, सो एंड आई लव माई फील्ड, लाइक see people are preferring to go nearby destinations after COVID, but now people are going and all the hotels have like sanitized and they are taking lots of precautions for that, so I don't think tourism will like it will now it will gear up like but so short destinations are going on now, people are preferring the mountain area, Goa and all the, and it will go. We have like 15 to 16 bungalows of ours located in like Lonawala, Khapoli, Wada, Mulshi Dam and all that areas, with the, but all are like luxurious bungalows with the private pool and with the chef and all. And now after COVID, people are preferring to stay in bungalows instead of hotels. They prefer bungalows because of the swimming pool, because in hotels they don't allow to use swimming pool, some of the hotels, because of the restrictions. So we like change the water cycle every, like when new client comes, we change that water. See, after lockdown and after they have sanitized themselves, people are thinking, I would want to suggest them, go out but take lots of precautions. If you have taken vaccination, that doesn't mean okay, you go out without mask. I have not put mask because the interview is going on and my nearby no one is sitting, so that's why we have not wear the mask. But you should wear the mask, sanitize yourself, and you should go out but take all the precautions.
नमस्कार दर्शक मित्रों, अब तक अने टीएलसीनी टीम के जे हिमाचलना प्रवास पर निकली छे अने ज्यारे मनाली आवी रह्या छे अने कुल्लू मनाली एटले के कुल्लू बाशिंग एरिया कहेवामां आवे छे अने कुल्लू बाशिंग एरिया उपर तमे मारी पाछळना दृश्यमां जोई रह्या छो के सोनू ड्राई फ्रूट्स नामनी आ खूब मोटी शॉप छे। तो आ शॉपथी तमने परिचित करावुं अने के कुल्लू मनालीमां केवा केवा सारा एवा ड्राई फ्रूट्स मळता होय छे तो अहींयाना ओनर आपणी साथे जोडावा जई रह्या छे। जी सर, आपका परिचय? सोनू ड्राई फ्रूट से बोल रहा हूँ सर मैं ना, ठीक है। ये मेरा शॉप रहेगा, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलेगा लोकल आपको, मामरा बादाम वगैरह रहेगा, केसर शिलाजी दौरजल मिलेगा आपको, बाकी शॉल्स वगैरह यहाँ पे बनती हैं, हमारे जैकेट ब्लैंकेट यहाँ पे बनते हैं। ये आउटलेट फैक्ट्री रहता है हमारा, जो भी रहता है यहाँ पे क्वालिटीज़ आपको जेन्युइन मिलेगी कोई भी रहेगा। साथ में रेस्टोरेंट भी हमारा है, गुजराती वगैरह खाना सब मिलेगा इधर सर आपको ना। सर ये आपकी जो शॉप है रेस्टोरेंट है ये एग्जैक्ट कौन सा एरिया में आती है? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आएगी आपकी, पाशिंग आएगी, पाशिंग में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू मनाली रोड पे आएगा, एनएच की रहेगा इसका नाम। सर यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनका आपके शॉप पर कैसा प्रभाव है? अच्छा प्रभाव रहता है, बहुत से क्लाइंट आते हैं बॉम्बे से भी गुजरात से भी आते हैं, शॉपिंग अच्छी करके जाते हैं, क्वालिटी जेन्युइन रहेगी अपने पास वो बात रहेगी। बाकी अपना ऑल इंडिया कुरियर भी है, कुरियर का सर्विस भी रहता है अपना ऑल इंडिया ना, कभी इन फ्यूचर फोन पे भी कोई मंगा सकता है तो वो भी भेजते हैं। जेम अहींयाना ओनरे आपने जणाव्युं के एओ अहींयानी क्वालिटी उपर खास ध्यान राखता होय छे अने समग्र भारत देशमां ए लोको कुरियर पण करे छे। तो हवे तमने अहींयानी एक एक वेराइटीथी परिचित करावीए के सोनू ड्राई फ्रूटनी शॉप पर आपणे आव्या छीए, एमना मालिक आपणी साथे जोडायेला छे, तो हवे एमनी प्रोडक्ट्स विशे पण थोड़ी माहितीओ जाणीए। जी सर जी, आपका मेन प्रोडक्ट और आप कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे बेचते हैं? यहाँ पे हमारे पास एक तो केसर मिलेगा आपको ओरिजिनल, ठीक है, ये कश्मीर का रहेगा, इसका ऑरिजिनल केसर रहेगा, ठीक है, इसका गारंटी रहेगा 1 किलो का, कहीं भी आप लैब में किधर भी चेक करा सकते हैं, डुप्लीकेट रहेगा तो सोनू ड्राई फ्रूट 1 किलो फ्री देगा आपको, और बोलिए, ठीक है सर। उसके बाद आएगा हमारा प्रोडक्ट शिलाजीत, ये रहता है शिलाजीत ये पत्थर का पसीना रहता है सर ना, पत्थर के अंदर से निकलता है, 80 बेनिफिट्स बॉडी रहता है ये ना, इसका हड्डी वगैरह टूटा उसको भी जोड़ते हैं, पावर रहता है इसमें ना सर, ये रहता है, देखिए ये शिलाजीत रहेगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा मिक्स फ्रूट रहेगा, ड्राई कीवीज रहेगा, यहाँ पे लोकल हैंडमेड चॉकलेट्स हमारे पास यहाँ पे बनता है, बाहर से चॉकलेट रहेगा अंदर इसके आलमंड्स रहेगा सर, ठीक है। फिर ड्राई कैनबेरीज आ गया आपका, पपाया ड्राई आ गया, मैंगो आ गया ड्राई आपका, ब्लूबेरीज आएगी, चिया सीड्स मिलेगा आपको, पाइनट्स मिलेगा, पिकेनट्स रहेंगे यहाँ पे, ड्राई फ्रूट्स किंग इज़ पाइनट्स एंड पिकेनट्स, ये रहेगा, ये चेरीज है आप देखेंगे, और ये गार्लिक है मेडिसिन, ये जॉइंट पेन्स डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल के काम आता है, इसको मॉर्निंग में 3 पीस खाना रहता है, ठीक है सर। उसके बाद ये आएगा आपका टी, ये पिंक टी आएगा आपका कश्मीर का, बाकी हमारे पास ग्रीन टीज मिल जाएगा आपको यहाँ पे लोकल, ये वॉलनट्स आएगा हमारा लोकल यहाँ का, ये हिमाचल का रहेगा, इसको आप दांत से जोड़ सकते हैं, ये देखिए ऐसे टूटेगा अंदर से वाइट पूरा निकलेगा, पूरा कलर टूटेगा, ये मामरो बादाम, इसका प्राइस ये हमारे पास 200 रुपये से स्टार्ट है, 800 रुपये किलो तक, क्वालिटी से देख के ये 800 रुपये किलो सर। ये मुकाक्स में मिलेगा हमारे पास, बम्बई पान रहेगा, लखनऊ पान रहेगा हमारे पास, हैदराबाद पान रहेगा आपका, उसके बाद ये पाइन नट्स आएगा आपका व्हाइट कलर का सर, ठीक है। उसके बाद ये मामरोज बादाम आएगा हमारे पास, इस बादाम में क्या रहता है हमारा, ऑयली रहता है, ये देखिए ऑयल रहता है, आपके यहाँ जो बादाम आएगा उसमें मशीन में डाल के ऑयल निकाल दिया जाता है ना, ये मैं आपको ऑयल निकाल के दिखाता हूँ इसका अभी, एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए पूरा, ये देखिए ठीक है, ये ऑयल रहेगा आपके यहाँ जो वैक्यूम पैकिंग में आता है वहाँ पे ऑयल निकाल दिया जाता है, बाकी हमारा कोरियर का भी रहता है। वॉलनट्स हमारे, ये एप्पल चिप्स आएगा, सन ड्राई एप्पल, इसमें कोई शुगर मिक्स नहीं रहेगा, कुछ भी मिक्स नहीं रहेगा ना, वॉलनट्स आएगा हमारा, वॉलनट्स में भी ऑयल बहुत रहेगा हमारे इसमें ना, ये वॉलनट्स दिखा रहा हूँ, ये छिलेला वॉलनट्स आएगा हमारे पास, इसको भी आप कितना भी करेंगे, ये देखिए तो भाई ये प्रेस कीजिए पूरा ऑयल ही रहेगा, बाकी आलमंड्स ऑयल हम खुद निकालते हैं, बादाम का तेल, हनी लोकल्स है, पिकल्स लोकल है हमारे पास, एप्पल का पिकल्स रहेगा, लिंगड़ी का पिकल्स रहेगा, ये सब लोकल मिलेगा आपको। फिर लौंग वगैरह रहेंगे, मसाले हमारे यहाँ के लोकल रहेंगे, ठीक है, लाइचीज़ वगैरह रहेगी लोकल आपका, एप्पल विनेगर्स रहेगा हमारे पास, ये वॉलनट्स है आपका, इसमें रेंज आएगी, इसको दांत से तोड़ो आप, हाथ से टूटेगा, बाकी उसका ब्लैंकेट्स वगैरह हमारे लोकल बनते हैं, आउटलेट फैक्ट्री पूरा रहता है यहाँ पे, मशीन में बनते हैं। जी रीते अहींयाना ओनरે આપણને સૌને અહીંયાના ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અને મરી મસાલાઓથી પરિચિત કર્યા અને સાથોસાથ સોનુ ડ્રાય ફ્રૂટ્સમાં મનાલી આવ્યા હોય ત્યારે એક ઠંડીની લહેર એ હોતી હોય છે, તો અહીંયાનું ગરમ કપડાનું માર્કેટ એ ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે, તો આ સોનુ ડ્રાય ફ્રૂટમાં
गरम कपड़ानू मार्केट पण एटलू सारू छे अने अहींयाना गरम कपड़ा पण खूब ज वखणाय छे। तो चालो आ गरम कपड़ा विषे पण माहिती माणीए अहींयाना ओनर पासेथी। जी सर, आप कौन कौन से गरम कपड़े यहाँ पे बेचते हैं? कौन सी शॉल्स है, कौन से स्वेटर है? कुल्लू शॉल्स रहेगी हमारी यहाँ की लोकल जो रहेगी, कुल्लू शॉल्स रहेगी, जैकेट रहेगी, ब्लैंकेट रहेंगे हमारे स्टॉल रहेंगे, कुल्लू उसकी टोपीज रहेगी हमारी, एक ब्लैंकेट रहता है हमारे पास ठंडा गर्म करता है, वो जो सर्दियों में रहेगा गर्म करेगा, गर्मियों में वो ठंडा करता है ब्लैंकेट हमारे पास। सूट हमारे यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे मशीन है हमारे पास, दिखाते हैं जिस मशीन में बनते हैं आपको। इस मशीन में यहाँ पे लेडीज़ बैठेगी, ठीक है, इसमें धागा डाला जाता है, फिर धागे से ऐसे इसको बनाया जाता है शॉल्स को ना, उसके बाद ये चरखा रहेगा, चरखा घुमाया जाएगा, इसमें धागा जाएगा, फिर आप निकलेगा ऐसे इसको किया जाता है, ये देखिए, फिर ये किया जाता है ऐसे इसको, और पैरों के साथ किया जाता है या नीचे करके, ये रहेगा ऐसे, ये देखिए ऐसे किया जाता है, इसमें बनेगा आपका शॉल्स सारे का सारा, जो भी यहाँ पे शॉल्स वगैरह आप देखेंगे अभी वो इसी के अंदर बना हुआ मशीन के अंदर सर ना। तो सर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप आपकी शॉप में कैसे कैसे वेराइटीज़ के जो शॉल है वो सेल करते हैं? लोकल शॉल्स रहेंगे यहाँ के, जो कुल्लू शॉल फेमस रहता है वो यहाँ पे रहेगा आपका, ये देखिए ये कुल्लू शॉल्स आएगा आपका, ये देखिए ये कुल्लू शॉल्स आएंगे, इसमें पट्टी रहती है, एक पट्टी का रहता है यहाँ पे कुल्लू का, ये थ्री पट्टी रहेगा, डबल पट्टी रहेगा, इसमें क्वालिटीज़ रहेगी। फिर कश्मीना शॉल मिलती है इधर हमारे पास ना, सबसे महंगी वही रहती है कश्मीना शॉल, कश्मीना दिखाइए, ये कश्मीना। बाकी ये कुल्लू का हमारा फेमस जो टोपी रहता है वो रहता है इधर का लोकल, ये सॉक्स रहता है कुल्लू पे, यहाँ पे बनता है ये भी आपका, पर्स वगैरह यहाँ पे हैंडमेड बनते हैं ये। यहाँ की जो आपने बताया कि यहाँ की हैंडमेड टोपी बनती है, तो यहाँ के लोगों में ये टोपी की क्या खासियत है? टोपी की खासियत ये है कि ये हाथ से बनती है, कोई मशीन से नहीं बनती टोपी ना, ये हाथ से इसको बनाते हैं सब लोग, ये चीज़ है, ये टोपी जो रहती है ये हाथ से बनती है टोपी ना, ये देखिए ये कुल्लू टोपी इसको कहते हैं, फेमस है यहाँ की कुल्लू टोपी। तो जेवी रीते आपणे सोनू ड्राई फ्रूट्स में के ड्राई फ्रूट थी मांडीने अहींयानी हिमाचली शॉल पण ए अहींया बनावता होय छे, तेमज साथोसाथ अहींयाना मालिके एक नवीनतम साहस पण कर्युं छे के जेमां अहींया आवनारा प्रवासीઓને તેઓ સ્વાદનું અદ્ભુત નજારું પાથરી રહ્યા છે। તો અહીંયાના ઓનર સાથે જ આપણે ફરી એક વખત વાત કરીએ કે સરજી, યહાં પે આપને જો નયા રેસ્ટોરન્ટ એસ્ટાબ્લિશ કિયા હૈ, यहाँ पे आप कौन कौन से डिशेस यहाँ के प्रवासियों को आप देते हैं? यहाँ पे तो सिड्डू रहता है हमारा, जो रहता है सिड्डू रहता है, स्पेशल मोमोज रहते हैं, उसके बाद ट्राउट फिश रहती है हमारी यहाँ पे जो स्पेशल रहती है, यहाँ की फेमस जो रहती है ट्राउट वो रहती है। बाकी प्रोडक्ट तो हमारे पास है, बिरयानी सब कुछ मिलेगा आपको, पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर वो भी है हमारे पास, जो स्पेशल है ट्राउट फिश है यहाँ की फेमस जो रहती है, ट्राउट फिश सिड्डू हो गया ये फेमस है यहाँ के ना। और सर, आफ्टर कोविड आप कौन कौन से प्रिकॉशंस अपने कस्टमर्स और अपने खाने के ऊपर रख रहे हैं? सैनिटाइज़र मिलेगा आपको पूरा, ठीक है, नीचे मास्क लगाया होगा सबने, जो भी लड़के वगैरह होंगे हमारे कुक होगा उनके मास्क लगे होंगे पूरे, पूरी रिपोर्ट होगी उनके पास। और सर, लास्ट में सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि अब तक मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे उनसे? ये कहना, जो भी आएंगे यहाँ पे क्वालिटीज़ वगैरह अच्छी मिलेगी आपको, ड्राई फ्रूट चाहे रेस्टोरेंट बोलो सबके लिए वेलकम है यहाँ पे। Vaibhav Kapani, we started this property in 2018 for the leisure tourism, and later after post-COVID we have seen slight downfall in the tourism sector, but after this fam trip I am quite confident ke kafi tourism wapis aayega. So SOPs puri maintained hai, for example from a deep cleaning of the rooms which we have been doing from the past, agar hum past mein dekhe post-COVID के बाद से लेके इनफैक्ट प्री कोविड एरा की बात भी करें तो हमारे जो बेसिक हाइजीन प्रोसेस है या जो प्रोटोकॉल्स होते हैं एक फोर स्टार प्रॉपर्टी के हम पहले से मेंटेन थे। पोस्ट के बाद ये डिफरेंस ज़रूर आया कि ऑक्यूपेंसी अगर हम रेस्टोरेंट की बोले तो 50% हो जाती है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, वी हैव
जो हमारा स्टाफिंग है, स्टाफिंग को पूरा हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि उनको जितना भी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं या जो भी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकते हैं SOPs के, MHA के या स्टेट गवर्नमेंट के, उनको हम फॉलो करवा रहे हैं। सर, रूम के अंदर एक 4-star सेगमेंट में जो आपको फैसिलिटीज़ चाहिए फ्रॉम इन हाउस इन रूम फैसिलिटीज़ लाइक TCM आपके जो है, उधर से लेके आपकी बाथरूम एमिनिटीज़ जो एक अप सेगमेंट हाई क्लास फैसिलिटीज़ हैं, वो आपने एक बार मैं आपको विजिट भी करवा दूंगा, तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फ्रॉम मिनी बार टू कैफे मशीन्स एंड एवरीथिंग। वी हैव 5 कैटेगरीज प्रिसाइजली, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड विच इज़ अ बेस कैटेगरी, देन सुपीरियर, डीलक्स, फैमिली सूट, एग्जीक्यूटिव सूट्स। प्रिसाइजली इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एमिनिटीज़ की बात बोले तो स्टैंडर्ड में भी एमिनिटीज़ वही हैं जो हायर सेगमेंट में एमिनिटीज़ हैं। द ओनली व्यू एंड द साइज ऑफ द रूम इज़ द डिफरेंस, बट हमारा जो बेसिक कैटेगरी का साइज़ है वो भी एज पर स्टैंडर्ड्स 250 स्क्वायर फीट से नीचे नहीं है। सर, रेस्ट्रो में वी हैव अ 130 कवर मल्टी क्यूजिन रेस्ट्रोज, 2 रेस्ट्रो प्रिसाइजली इफ आई टॉक अबाउट। एंड अभी तो कोविड के बाद तो 50% की, जैसे मैंने आपको बोला कि वो रिस्ट्रिक्शन तो हो ही गई है, बट डिशेज की बात बोले तो वी आर स्पेसिफिकली इन अ कॉन्टी फूड, तो कॉन्टी में कुछ आप ट्राई कीजिए। एंड वी हैव अ लाइव किचन इन द रेस्ट्रो, वो भी आपको विजुअलाइज करा दूंगा मैं। तो लाइव किचन से हमारे कॉन्टी के जितनी आइटम्स है डिनर में एंड मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, आपके कॉन्टी प्लस साउथ इंडियन जो है वो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा रनिंग में रहता है। सर, जो आ चुके हैं उनके लिए तो बहुत थैंक्स है कि वो आ चुके हैं, उन्होंने हम पे विश्वास जताया है। पोस्ट कोविड जो आए हैं उनके लिए डबल थैंक्स है कि उन्होंने कोविड के बाद भी हम पे थैंक्स किया है, और आने वालों को मैं इतनी एश्योरेंस दे रहा हूँ कि अगर वो आते हैं तो उनकी सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो चाहे वो SOPs हों मेंटेन करनी इन टर्म्स ऑफ कोविड हों, या उनकी वैसे सिक्योरिटी हो या सेफ्टी हो या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो, वो पूरे यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं। अब तक अने TLC नी टीम के जे हिमाचल ना प्रवास ऊपर निकली छे अने आ हिमाचल ना प्रवास ऊपर खूब ज सुंदर मजानु वातावरण केता कहे झरमर वरसाद वच्चे ડેલહાઉસી ગામમાં પહોંચી છે, અને આ ડેલહાઉસી ગામ કે જ્યાં સૌંદર્યની, જેને કહેવાય કે પ્રકૃતિના સૌંદર્યો, કે વાદળો આપણા સાથે હળી મળી અને આપણે વાદળોની વચ્ચે એ ફરતા હોઈએ, તો TLC ગ્રુપના ફાઉન્ડર અને ચેરમેન અમેશભાઈ આપણી સાથે જોડાવા જઈ રહ્યા છે। તો જી અમેશભાઈ, તમે આ સમગ્ર પ્રવાસને અહીંયા લઈને આવ્યા છો, તો તમને કેવો આનંદ રહ્યો? વેલ, આજે અમે લગભગ 45-50 પાર્ટનર ડિફરન્ટ એરિયા ઓફ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા લાઈક મુંબઈ, પૂના, બરોડા, અમદાવાદ, રાજકોટ અને કચ્છથી આવ્યા છીએ, અને આજે મારો આ હિમાચલ ફેમ ટ્રીપનો 4th દિવસ છે। અમે અમારી જર્ની દિલ્હીથી સ્ટાર્ટ કરી, અમૃતસર વાહેગુરુજીના આશીર્વાદ અને દર્શન લઈ અને આગળ નીકળ્યા। આજે ડેલહાઉસી, ગઈકાલે ડેલહાઉસીમાં હતા અને આજે અમે ખજિયાર આવ્યા છીએ। અને આજે ખરેખર અમે જે ટાઇટલ આપ્યું હતું રોમેન્ટિક હિમાચલ ફેમ ટ્રીપ, એવું જ એબ્સોલ્યુટલી વાતાવરણ છે। બધા વાદળો, આ જો આજે પાઇનવુડ, આ ખજિયારનું જે પાઇનવુડ ફેમસ છે, અને ઘણા બધા પિક્ચરોનું અહીંયા શૂટિંગ થયા છે, અને ખૂબ જ જેને કહીએ ને મન મોહી લે એવું વાતાવરણ છે। અને બધા જ મિત્રો આજે અમારી આ જરાક આમ નજર બાજુ અમારી 3 ટેમ્પો ટ્રાવેલર સાથે બધા આવ્યા છે, અને બધા જ લોકો સૌ ગાર્ડનમાં અને અહીંયા બધે ફરે છે। એટલે ખાસ અહીંયા આવવાનું રીઝન એ હોય કે અમે અમારા ગ્રાહકો માટે સ્ટડી કરતા હોય કે એ લોકોને શું ફરવા માટે સારા સ્થળો છે એનું અમે લિસ્ટ બનાવ્યું, હોટલમાં શું વ્યવસ્થા છે, એમાં 2-4 હોટલોની વિઝિટ લઈ અને એમનું બજેટ, એને ફેસિલિટી, સર્વિસીસ શું શું એક્સપેક્ટેશન હોય એ પ્રમાણે અમે હોટલ વિઝિટ કરતા હોઈએ। એટલે ઓવરઓલ આ એક જાતનું એજ્યુકેશન છે। હું તો છેલ્લા 30 વર્ષથી છું, બડો અનુભવ છે, પણ છતાં ટુરિઝમ એક દરિયો છે અને એમાં દરરોજ નવું જ આવતું રહે છે, નવું શીખવાનું હોય છે। તો જે બધા નવા મિત્રો છે કે 2-5-10 વર્ષથી એજન્સી કરે છે, અત્યારે ટેકનોલોજીનો ટાઈમ છે અને એવરી ડે વર્લ્ડ ઇઝ ચેન્જિંગ, તો તમારે સમય સાથે રહેવા માટે આ બધું શીખવું જ પડશે। એટલે હું પણ શીખું છું અને હું પણ એક સ્ટુડન્ટ છું ટુરિઝમનો, પણ હા, છેલ્લા 4 દિવસથી ખૂબ મજા આવી છે અને દર વખતે અમને અબ તક પરિવાર હર હંમેશ અમારી સાથે રહીએ છે, એટલે એનો આભાર પણ હર હંમેશ માનું જ છું કે સતીશભાઈ, રાહુલભાઈ, ઝાલા બાપુ, આ બધા જ લોકો હંમેશા એક મિત્ર સાથે રહીએ છે અને ખૂબ મજા આવી છે અને મજા કરી છે। હવે આના પછી અમારી નેક્સ્ટ ગોવા ફેમ ટ્રીપ જઈ રહી છે। ગોવા ઇઝ ઓન 3rd ઓગસ્ટ,
દર વખતે અમે નવા નવા ડેસ્ટિનેશન લઈએ છીએ. એક ટાઈમ હિલ સ્ટેશન લઈ, પછી વળી પાછું મહિનાથી પછી બીચ હોય, હેરિટેજ ટુરિઝમ હોય. આ ટુરિઝમમાં ઘણા બધા પ્રકારો છે અને ઇટ્સ અ વાસ્ટ ફિલ્ડ, બહુ મોટું ફિલ્ડ છે. તમે ટુરિઝમમાં ખરેખર ગોલ્ડન કેરિયર છે. હા, થોડું છેલ્લે કોવિડની સાબ ઇશ્યુ આવ્યા, બટ ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ લાઈફ. તમે જ્યારે ઉપર ચડી ગયા હોય અને નીચેથી તમને દુનિયા જોવાની ખૂબ મજા આવે, અને એ પોઝિટિવિટીમાં, નેગેટિવિટીમાંથી પોઝિટિવ બહાર, સેટબેક ટુ કમબેક કરી અને આવું, અને હવે જો કે ટુરિઝમ કેમ ચાલે છે, હું 100% ગેરંટીથી કહું છું કે હવે આવતા 2 વર્ષ ટુરિઝમ ખૂબ જ દોડશે. અને જેટલા બી ટ્રાવેલ પાર્ટનર છે, હોટલ પાર્ટનર છે, એને એકવાર ફરીથી ગોલ્ડન દિવસો આવવાના છે. તો તમારી સ્પિરિટ પોઝિટિવ રાખો, ભગવાન બધું સારું જ કરશે. તો આ હતા TLCના ફાઉન્ડર રમેશભાઈ દફતરી, કે જેઓએ આપણને આ હિમાચલની ટૂર અને એમની આવનારી ગોવાની ટ્રીપ વિશેની પણ વાત કરી. કેમેરામેન દર્શન વાડોલિયા સાથે સ્મિત્રા ઝાલા, અબ તક ન્યૂઝ. मेरा नाम नीरज है, मैं इंद्रप्रस्थ डलहौजी मैं हेड करता हूँ. मैं एज ए जनरल मैनेजर वहाँ पे काम कर रहा हूँ. हमारे टोटल 4 होटल्स हैं अभी, जिसमें से हमारे 3 होटल्स डलहौजी के अंदर ही हैं. मिनी स्विस ये हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी थी जो हमने स्टार्ट की थी 90s के दौर में. उसके बाद हमारा इंद्रप्रस्थ डलहौजी हमने बनाया, देन वी हैव मेड इंद्रप्रस्थ धर्मशाला. अभी 4th प्रॉपर्टी जो हमारी है, जो अभी चल रही है, वो है फॉर्चून के साथ. वी हैव डन द टाई अप विद फॉर्चून, ITC का जो ब्रांड है उसके साथ हमारी 4th प्रॉपर्टी है. और एक्सपेंशन के भी है, बट इट विल टेक सम टाइम. देखिए फैसिलिटीज़ में इफ़ यू टॉक अबाउट, हमारे पास रेस्टोरेंट हमारे पास है, बार हमारे पास अभी सेटअप नहीं है हमारी दोनों प्रॉपर्टीज़ में. लेकिन फॉर्चून में हमारे पास बार है, हमारे पास आपका इंद्रप्रस्था में बार है धर्मशाला वाली प्रॉपर्टी में. उसके अलावा मल्टी क्यूज़ीन रेस्टोरेंट हमारे पास है. अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ, हम अपनेपन पे बेसिकली यकीन रखते हैं. तो कोई भी गेस्ट हमारे पास कहीं से भी आता है, अराउंड दी वर्ल्ड कहीं से भी अगर कोई भी गेस्ट हमारे पास आता है, हम अपनेपन का बेसिकली एक अपनेपन से उसका स्वागत करते हैं और सब चीज़ बेसिकली जितना हो सकता है वी विल डू दैट. देखिए रूम पे अगर मैं बात करूँ तो रूम पे एज सच वी हैव आपका ACs हैं इस प्रॉपर्टी में. जैसे मैंने सोच, अगर मैं बात करूँ, अभी AC यहाँ पे नहीं है, लेकिन AC टाइम थोड़ा सा लगेगा बिकॉज ऑफ द कोविड. अभी सब कुछ बंद था, तो आपका मेन चीज़ जो रूम की अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ, तो हमारे पास मेन चीज़ आपका AC आपके रूम में रहेगा. उसके बाद सोफ़ाज़ आपके हैं, उसके अलावा टी एमिनिटीज़ हम लोग रखते हैं. टी केटल आपका रहेगा, हर रूम पे गीज़र है, या फिर आपका हमारे पास सोलर प्लांट है, या फिर आपका हॉट बॉयलर्स भी हैं हमारे पास रूम्स में. वी आर फॉलोइंग ईच एंड एवरी SOP जो भी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की है रिगार्डिंग कोविड, वो सारी की सारी SOPs हम लोग पूरी फॉलो कर रहे हैं. Whatever food we are serving, सबका सेम है. बट इन टर्म्स ऑफ अगर मैं फेमस की बात करूँ, आप दाल मखनी ट्राई कर सकते हैं. दाल मखनी के अलावा आप ट्राई कर सकते हैं आपका हिमाचली क्विजीन हम लोग अच्छा बनाते हैं, बिकॉज हमारी जो चेन है, जो रूट है हमारी, वो बेसिकली चंबा से है. तो हमारी जो हिमाचली जो धाम करके है उसके लिए भी, लेकिन आपको पहले बताना हमें पड़ेगा सो दैट वी कैन डू द प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली, वो हम लोग अच्छा बनाते हैं अगर मैं सारे डिशेज की बात करूँ तो. कि मेन चीज़ देखिए, बुकिंग कैंसिल मत कीजिए बिकॉज वी आर ऑल्सो होटेलियर्स. सबसे ज़्यादा नुकसान होटल्स को ही हुआ है. तो मैं सजेस्ट बस यही करना चाहूँगा, इंस्टीड ऑफ कैंसलिंग एनी ऑफ द बुकिंग, आप उसको पोस्टपोन कर लीजिए. आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं एवरीवेयर इफ़ यू टॉक अबाउट. हर जगह पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ ही हम लोग गेस्ट को वेलकम करते हैं. अगर आपने हमारे प्रोटोकॉल्स भी देखे होंगे तो एवरीथिंग वी आर फॉलोइंग जो भी गवर्नमेंट के SOPs हैं.
मैं बबलू शर्मा, जीएम संध्या ग्रुप ऑफ होटल्स। संध्या ग्रुप होटल्स 2003 में स्टार्ट हुआ था और मैं इस फर्म के साथ में सन 2009 से एज ए जीएम काम कर रहा हूँ। संध्या के होटल्स कुल्लू में, मनाली में और कसौल में। मनाली में लग्जरी फोसा प्रॉपर्टी है, कुल्लू में 3 स्टार होटल है और कसौल में 3 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी है। मनाली संध्या रिजॉर्ट एंड स्पा 4 स्टार लग्जरी 4 स्टार प्रॉपर्टी है। इसमें स्विमिंग पूल, डिस्कोथिक, कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉफ़ी शॉप, बार, सोना बाथ, स्टीम बाथ, स्पा मेडिकेशंस, ये सब प्रॉपर्टी के अंदर में है। और हमारी कैटेगरीज है 5 तरह की। पहली कैटेगरी हमारी डिलक्स रूम की है जो विदाउट बालकनी है। सेकेंड कैटेगरी हमारी लग्जरी रूम विद बालकनी है। थर्ड कैटेगरी माउंटेन फेसिंग रूम है। माउंटेन फेसिंग रूम की USB ये है कि जब आप बालकनी में खड़े हो जाओगे या बैठोगे बालकनी में, मॉर्निंग की चाय लोगे, यू विल गेट रोहतांग पास व्यू आपको दिखेगा। और इसके बाद में फैमिली स्वीट है, 3 बेडरूम का कॉटेज स्वीट है एंड प्रेजिडेंशियल स्वीट है। प्रेजिडेंशियल स्वीट की USB है सर, दिस इज़ ऑन द टॉप फ्लोर। और प्रेजिडेंशियल स्वीट में 2 बेडरूम्स हैं, एक डाइनिंग रूम है, एक लिविंग रूम है। प्रेजिडेंशियल स्वीट में दोनों के बाथ, जो वॉशरूम है, दोनों वॉशरूम में जकूजी बाथ लगे हुए हैं। 3 बेडरूम कॉटेज स्वीट में 3 बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, एक बड़ी बालकनी है जिसमें आप 3 फैमिली भी रह सकती है या 3 कपल्स रह सकते हैं। ये सब आपको गेट टुगेदर एक जगह पे कर सकते हैं। इंडोर स्विमिंग पूल है, लोग जो गेस्ट जो हमारे मेहमान आएंगे वो उसको इंजॉय कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ स्विमिंग पूल, होपफुली इस साल हम इसको स्विमिंग पूल को टेम्परेचर कंट्रोल कर देंगे कि विंटर्स में भी लोग फिर गर्म पानी में स्विमिंग कर सकते हैं। आफ्टर कोविड जो हमने प्रॉपर्टी को स्टार्ट किया है, हम पहले तो सबसे पहले चेक इन से पहले गेस्ट को सैनिटाइज़ करते हैं। मशीन्स हमने लगाई हुई है सैनिटाइजेशन के लिए, उनके लगेजेस भी सैनिटाइज होंगे और रूम हमारे सैनिटाइज होते हैं चेकआउट के बाद में भी या डेली बेसिस पे भी हम अपने रूम्स को सैनिटाइज करते हैं। और मेरा जो स्टाफ है सभी फुली वैक्सीनेटेड है, अभी फर्स्ट डोज सभी को हो चुकी है। इनफैक्ट मुझे सेकेंड डोज भी मैं अपनी कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरे कुछ अभी जो स्टाफ है इनका भी सेकेंड डोज नेक्स्ट मंथ कम्प्लीट हो जाएगी। मैं सभी अपने मेहमानों का स्वागत करता हूँ कि विंटर्स में आएँ, यहाँ पे विंटर्स की फैसिलिटीज़ में अपना इंजॉय करें। और बर्फ़ गिरने के बाद, स्नोफॉल के बाद में लोगों जो हमारे मेहमान आएंगे उनको स्नो रिलेटेड सब एक्टिविटीज़ मिल जाएगी। इन हाउस में भी हम एक्टिविटीज़ हमने शुरू की है, लाइक मेरे जो रिक्रिएशन सेंटर है हमने इसमें प्ले जोन भी बना दिया है। प्ले जोन के अलावा हम इस पर स्नूकर्स हैं, टेबल टेनिस है, और जो मेहमान जिम वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए जिम की भी सुविधा हमने प्रॉपर्टी में रखी हुई है। मेरा नाम सुरेश शेट्टी है और मेरा ट्रैवल एजेंसी का नाम है पैराडाइज टूर्स एंड हॉलीडेज। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मुंबई में अंधेरी में हमारा ऑफिस है। हम इंडिया में हम बेसिकली नॉर्थ और साउथ ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी थोड़ा बहुत इंटरनेशनल भी करते हैं, बाकी डेस्टिनेशन भी करते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस नॉर्थ और साउथ है। हम टोटल पूरा पैकेज बना के देते हैं आपका, टिकटिंग के लिए से मतलब बॉम्बे टू बॉम्बे हम पूरा पैकेज कस्टमर को देते हैं। उनका रहना, गाड़ी, फूड वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं हम। कस्टमर मेज पैकेजेस बनाते हैं, कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है वो स्टडी करके हम पैकेजेस बनाते हैं। अभी सिर्फ इंक्वायरीज चल रही है, अब लोग निकलने के लिए डर, क्योंकि फ्लो प्रॉपरली ख़त्म नहीं हुआ है और सब डेस्टिनेशन भी प्रॉपरली खुला नहीं है। अभी सब RT-PCR मांग रहा है, कोई स्टेट आपको बोल रहा है कि दोनों वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो अभी कस्टमर को जाना है, कस्टमर इंक्वायरी चालू है, तो धीरे धीरे अभी खुलेगा जैसे खुला। अभी लोकल थोड़े स्टार्ट हो गए, मतलब बॉम्बे के नियर बाय स्टेशन लोग जा रहे हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र बहुत कम लोग निकल रहे हैं। अभी TLC के साथ मेरा ये दूसरा सफ़र है उनके साथ में, मैं पहले भी उनके साथ गुजरात वगैरह गया हूँ। हमने काफ़ी होटल्स वगैरह स्टडी किए, काफ़ी चीज़ समझ में आया, नया चीज़ सीखने को मिला काफ़ी कुछ। इस बार भी हम इसी के लिए आए हैं कि हम जरा होटल्स के, क्योंकि लगभग 2 साल से लगभग कोविड की वजह से सारा डेस्टिनेशन बंद है। अभी हम ऐसे देखेंगे तो बोलते हैं कि सब खुला है, सब अच्छा है ऐसा, लेकिन खुद के आंखों से जब तक नहीं देखते हम कस्टमर को हम बिलीवली बोल नहीं सकते। अभी हमको पता है कि क्या चीज़ चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या आगे होने वाला है, हम कस्टमर को इजीली हम उससे कन्विंस कर सकते हैं। सपोर्ट कीजिए ट्रैवल एजेंट्स को, 2 साल से सब बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इंडस्ट्री जो है ट्रैवल इंडस्ट्री है, बिल्कुल 2 साल से एकदम स्टॉप हो चुका है। कुछ बिजनेस नहीं लोगों के पास, सब अपने अपने दम पे सर्वाइव कर रहे हैं। अब आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप निकलो तो हमारे थ्रू निकलो, हमको सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम ये चीज़ की हम गारंटी देंगे, आपको अच्छी चीज़ देंगे हम लोग।
बस इसके साथ कुछ नहीं जाना चाहता। नितिन बोलूँ जो रेनबो टूर्स एंड ट्रेवल्स थी मुंबई, लगभग अमे 12-13 वर्ष थी संकड़ेला छे अने टूर में जे कस्टमर ने जे मीन्स जे रीतनु जोतु होय ए रीतनु विचार करीने एने जे जे माफक आवे ए प्रमाणे अमे बधुं सेटअप करीने पछी कस्टमाइज पेकेज करीने अमे पछी सेल करीए। टीएलसी साथे हूँ लगभग 2 वर्षथी जोड़ायेलो छूँ अने बहु सारो एक्सपीरियंस मने मळ्यो छे। એમની સાથે ઘણી બધી અમે ફેમ ટૂર કરી છે, બધી જેમ કેરલા ગયો છું એમની સાથે, મહાબલેશ્વર ગયો છું, પછી વનવાસો ગીર પણ ગયો છું, હિમાચલ હમણાં આવ્યા છીએ, એટલે એમની સાથે જેટલી પણ હોટલની વિઝિટ હોય બધી એમની સાથે હોટલની વિઝિટ કરીએ છીએ અને અમે જાણીએ છીએ કે શું શું કઈ રીતની હોટલમાં શું શું ફેસિલિટીઝ છે એ બધું અમે જોઈને એ પ્રમાણે પછી અમે કસ્ટમરને જે ચોઈસ પ્રમાણે હોય એ પ્રમાણે અમે એમને પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ। અબ તક મીડિયા માટે હું એમ કહેવા માગું છું, ઘણું કસ્ટમરને મીન્સ કહે છે કે જે સિચ્યુએશન રાઈટ સિચ્યુએશન છે એ બતાડવાની કોશિશ કરે છે કે હવે શું ખુલ્લું છે, ક્યાં જવું જોઈએ કે કઈ ટાઈપનું, એટલે એ રીતનું મતલબ ઘણું ખરું મીડિયા તરફથી ખબર પડી જાય છે કે આ ચાલુ છે આ બંધ છે, એ પ્રમાણે આપણે એક્સપિરિયન્સ રિટર્નનો છે આપણે। ખાસ કે જે આ હિમાચલની ટ્રીપ ચાલી રહી છે એમાં પણ મોદી સાહેબે બનાવેલી અટલ ટનલ કે જેમાંથી સમગ્ર ટીમ એ અટલ ટનલ ક્રોસ કરી છે, કે આ અટલ ટનલ આ તમે મારી પાછળના દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો કે જે સામે બ્રિજ દેખાઈ રહ્યો છે એ બ્રિજની પાસેથી એ ટનલનો એક દ્વાર શરૂ થાય છે અને આ ટનલ અંદાજે 9 કિલોમીટરની લંબાઈ ધરાવે છે, કે જે ટનલની અંદર તમને સ્પીડ લિમિટથી માંડીને તમારે ઓવરટેક ના કરવાથી માંડીને તમામ નિયમો એ આ ટનલની અંદર લાગુ પાડવામાં આવ્યા છે। તેમજ આ ટનલની અંદર સીસીટીવી કેમેરાથી સજ્જ આ ટનલ બનાવવામાં આવી છે, કે જે આ ટનલની અંદર ઓક્સિજનના પાઇપ્સ તથા લાઇટિંગની તમામ સુવિધાઓ આપવામાં આવે છે। તેમજ કોઈ પણ એક બાજુથી જે તે ગાડી પ્રવેશે છે ત્યારે તે ગાડીની નોંધણી કરવામાં આવે છે, તે વાહનની નોંધણી કરવામાં આવે છે અને એ વાહન જ્યારે ટનલની બહાર નીકળે છે ત્યારે પણ તેની નોંધ લેવામાં આવે છે। ટનલની અંદર જો તમારી ગાડી ઊભી રાખવાની હોય તો તેના માટેની પરમિશન અથવા તો કોઈ એવા આકસ્મિક સંજોગોમાં જ્યારે ગાડી ઊભી રાખવાની થાય છે ત્યારે તરત જ માત્ર 5 મિનિટની અંદર જે તે સહાયકની ગાડીઓ અહીંયા ટનલની અંદર પહોંચતી હોય છે અને ખાસ કરીને કે અટલ બિહારી વાજપેયીના નામે આ ટનલ બનાવવામાં આવી છે અને એમ કહી શકાય કે હિમાચલ પ્રદેશની અંદર એક ખૂબ જ મોટા પહાડની અંદર કોતરી અને આ ટનલ બનાવવામાં આવી છે, જેને લઈને વાહન વ્યવહાર એ ખૂબ જ સરળ બન્યો છે અને ખાસ વાત કરું કે આ ટનલની અંદર આવવા માટે પર્યટકો ગામે ગામથી અહીંયા આવી રહ્યા છે તથા અને આર્મીના તમામ ટ્રકોને એમની જવાનો માટે જે તે સામાન પહોંચાડવા માટેની ખૂબ જ સરળતાઓ પડી રહી છે। ટીએલસી એટલે ટુરિઝમ લીડર્સ ક્લબ, એમનો મેઇન હેતુ એવો છે કે ટ્રાવેલ એજન્ટ અને હોટેલિયરને એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે એઝ એ બાયર અને એઝ એ સેલર, અને આ પ્લેટફોર્મની અંદર કેવું થતું હોય છે કે ટ્રાવેલ એજન્ટ પોતે હોટેલિયર ઇન્વાઇટ કરે એમને ટ્રાવેલ એજન્ટને, અને ટ્રાવેલ એજન્ટ એમના હોટેલ ઉપર સ્ટે કરે અને જોવે કે કેવી રીતે છે, શું ફેસિલિટીઝ છે, શું એમ્યુનિટીઝ છે, અને એના મુજબ એમના ક્લાયન્ટને એ રિફર કરે કે આ જગ્યાએ જવા જેવું છે। હવે કોવિડ પછી માહોલ થોડો ચેન્જ થયો છે, કારણ કે કોવિડ પછી કઈ હોટલમાં જવું, ક્યાં જવું, સેફ્ટી પર્પઝ આ બધું કસ્ટમરો છે ને પૂછતા હોય છે ટ્રાવેલ એજન્ટ્સને, ત્યારે ખાસ કરીને કોવિડ પછી ટીએલસીના પ્લેટફોર્મથી ટીએલસી દ્વારા જે આ ટ્રીપ નક્કી થઈ છે કે હિમાચલ પ્રદેશની અંદર અમૃતસર અને પછી હિમાચલ પ્રદેશની અંદર ડેલહાઉસી છે, ખજિયાર છે, મનાલી છે, આ બધી જગ્યાએ ફરી અને સ્ટે કરી અને ખુદ ટ્રાવેલ એજન્ટ પોતે જોવે છે કે ખરેખર કેવો માહોલ છે, રિકમેન્ડ કરવા જેવું છે કે નથી, એના મુજબ અમે અહીંયા આવ્યા છીએ, ઘણી બધી હોટલોમાં રોકાણા, અલગ અલગ સ્થળ ઉપર ગયા છીએ, જે સોશિયલ મીડિયામાં ખોટી અફવાઓ ફરે છે કે મનાલી અંદર ખૂબ ટ્રાફિક આવી ગયો છે, ત્રીજી લહેરને ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ, એવું નથી, સામાન્ય ટ્રાફિક છે, લોકો આવે છે, ઘણી બધી હોટલોનું ઓપ્શન્સ છે અને સાથે સાથે હોટલ ઓનર પણ એવું કરે છે કે સેફ્ટીના પર્પઝ બધા જેમ કે સેનિટાઇઝેશન
ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરવું, એમનું ટેમ્પરેચર લેવું અને રૂમ સેનિટાઈઝ કરવા, આ બધું એ લોકો પણ મેન્ટેન કરે છે અને બહુ સારી ફેસિલિટી આપી રહ્યા છે અને એન્વાયરમેન્ટ એકદમ સરસ છે. એટલે અહીંયા આવવામાં કોઈ વાંધો નથી, કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ નથી અત્યારે. અને કોરોનાથી આપણે ઘણા બધા બહાર નીકળી ગયા છીએ અને આ 1.5 વર્ષથી એ બધા ઘરમાં હતા, તો મને હું પણ રિકમેન્ડ કરું છું કે એક વખત ફરવા જવા નીકળવું જોઈએ, મનાલી સાઈડ આવવું જોઈએ અને એક માઇન્ડ ફ્રેશ થાય અને પાછા આપણે આપણા બિઝનેસમાં લાગી જઈએ, એવું કરવું જોઈએ મારી દૃષ્ટિએ. આમાં મેં જે મહત્વ બતાવ્યું આપને કે ભાઈ આ એક પ્લેટફોર્મ છે બાયર સેલર ટ્રાવેલ એજન્ટ અને હોટેલિયરને મળવા માટેનો, એની અંદર અમે આ જે ટ્રીપ છે એ રાજકોટથી અમે દિલ્હી પહોંચીએ, દિલ્હી એક નાઇટ સ્ટે કર્યા, પછી દિલ્હીથી અમૃતસર આવ્યા, અમૃતસર સ્ટે કર્યો, ગુરુદ્વારાની વિઝિટ કરી અને અમૃતસરના જે બધા સાઇટ સીનના પોઈન્ટ છે એ લીધા. એના પછી અમે ડેલ હાઉસી માટે નીકળ્યા, ડેલ હાઉસી સ્ટે કરી ખજિયાર ગયા. ખજિયાર એકદમ સરસ, આપણે જેને મિની સ્વિટ્ઝરલેન્ડ કહીએ છીએ એ મિની સ્વિટ્ઝરલેન્ડનો આનંદ લીધો. અને પછી ડેલ હાઉસી નાઇટ સ્ટે કરી અને અમે નીકળ્યા મનાલી માટે. આજે રસ્તામાં કુલુ થઈ અને અમે આજે મનાલી આવ્યા છીએ અને મનાલીની અંદર અમે ખૂબ જ એહલા કહેવાય ને કે વાતાવરણ સરસ મજાનું છે. અને અટલ ટનલ કે જેને માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જેનું ઓપનિંગ કરેલું હતું, ત્યારે એક મનમાં ઈચ્છા હતી કે અટલ ટનલ જોવા જવું છે અને એમના વખાણ ખૂબ સાંભળ્યા હતા મીડિયામાં. તો આજે ખાસ આવ્યા છીએ અને અહીંયા આવીને આનંદિત થયા છીએ કે ના સરસ મજાની અહીંયા આજે પહાડોની વચ્ચે નદીઓની વચ્ચે એક અટલ ટનલ બનાવી છે અને આપણા જે ટ્રાન્સપોર્ટ માટે ઇઝી થઈ ગયું છે. ઘણું બધું જે પહાડોને ક્રોસ કરીને ફરી ફરીને આવવું પડતું એને બદલે રસ્તો ઘણો બધો ટૂંકો થઈ ગયો છે લેહ લદ્દાખ માટેનો. અને અટલ ટનલની અંદરથી નીકળવી એ પણ એક લાવ જ છે અને મજા લેવાની એક વાત છે. અને એની બાજુમાં નદીના કિનારે આપણે ઊભા છીએ એ પણ એક લાવો છે. અહીંનું વાતાવરણ પણ મજા આવે એવું છે, એટલે ખૂબ આનંદ થયો, ખૂબ મજા આવી. मेरा नाम पल्लवी जैन है और दिस होटल इज 25 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम दी ओनर्स डॉटर एंड आई एम हैंडलिंग द प्रॉपर्टी सिंस जुलाई 2021. यहाँ पे क्लासिक रूम है, सुपीरियर है, प्रीमियम है, स्वीट है, जूनियर स्वीट है, प्रेजिडेंशियल स्वीट है. इन टोटल 65 रूम्स हैं. आपके रूम में बाथ टब है, कुछ व्यू रूम्स है, कुछ नॉन व्यू रूम्स है, रेफ्रिजरेटर है, सेंट्रल हीटिंग है, कूलिंग है. So we have sanitizers machine installed at the reception and at the restaurant because wo dono touch points sabse zyada hote hain and every where jahan pe touch point humne hand sanitizers rakhwa rakhe hain. We have masks at the facility ki kisi agar customer ko chahiye mask to mask ho and all our staff wear masks while communicating with the customer. हमारे होटल में सबसे ज़्यादा तो दाल मखनी फेमस है. हमारे जितने भी गेस्ट हैं दाल मखनी की तारीफ़ बहुत ज़्यादा की है. और बूफे में अलग अलग तरह की डिशेज़ होती है जैसे दाल मखनी, पालक पनीर, पनीर मखनी, लाइक पनीर का हमेशा एक आइटम होगा, फिर आपके वेजिटेबल्स का हमेशा एक आइटम होगा, हमेशा एक दाल होगी आपकी, डेजर्ट्स होंगे दो तरह के, सैलेड, रायता, सूप होगा एक आपका, ऐसे डिफरेंट चीज़ होती है. मैं कहना चाहूँगी विंटर में तो पक्का ही आए क्योंकि विंटर में जितना सुंदर मनाली लगता है उतना सुंदर तो मनाली समर में भी नहीं लगता. एंड होटल में सेंट्रल हीटिंग की फैसिलिटी है तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी, मतलब आप कमरे में बैठे बैठे बर्फ आबादियों का को एंजॉय कर सकते. Myself Satish Negi. I am working here as a vice president. The property name is Grand Krisha Resort and Spa. ये unit है Heaven Holiday Resort Private Limited के under आता है. ये 61 room की inventory है और four star luxury हमारा segment है. इस properties में हमारे पास
हर कैटेगरीज के रूम्स अवेलेबल है, डिलक्स है, सुपर डिलक्स है, लग्जरी है, सूट रूम्स है, फैमिली सूट है, हनीमून सूट है। यहाँ पे क्या है कि हमारे जितने भी पेट्रोनाइज कस्टमर आते हैं, लाइक हनीमूनर्स आते हैं या ग्रुप सेगमेंट आते हैं, एजुकेशन ट्रिप्स आती है या एडवेंचर ग्रुप्स आते हैं या फैमिली टूर्स आते हैं, सबको एंटरटेन करते हैं। और हमारी प्रॉपर्टीज़ में रेस्टोरेंट फैसिलिटीज है, 24 आवर्स रूम सर्विसेज है, बार है, डिस्को है, सेंट्रलाइज हीटिंग एंड एसी प्रॉपर्टीज़ है जिसमें बीआरएफ हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम हमने लगाया है। और प्रॉपर्टीज़ में जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो ऑलमोस्ट है ही है, और रूम इंटीरियर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का एंबियंस भी आपने देख लिया होगा। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी जहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन है। डे टाइम में मोस्ट प्रॉबली जो क्लाइंट है वो स्नो पॉइंट जाते हैं या डेस्टिनेशन टूर पे जाते हैं, जब शाम को आते हैं तो लॉबी में लाइट म्यूजिक के साथ फाउंटेन के साथ वो थोड़ा रिलैक्स भी कर लेते हैं, कुछ एक उनके ऑर्डर्स होते हैं वो उसको इंजॉयबल कर लेते हैं। और इस प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास एक प्रॉपर कैटर मैनेजमेंट टीम है, डिपार्टमेंट फुल्स है, और हर टाइप का मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट फूड है हमारे पास है, तो सारी चीज़ें हम सर्विसेज देते हैं। आपकी प्रॉपर्टी में कौन कौन सी कैटेगरीज? कैटेगरीज हमारे पास 5 रूम्स हैं, जिसमें बेसिक हमारा डिलक्स रूम है और सेकंड कैटेगरी सुपर डिलक्स है। उसका जो एडवांटेज ये है कि उसका बालकनी है और उसका व्यू जो आता है वो एप्पल ऑर्चिड का आता है। इससे ऊपर की जो कैटेगरी है वो लग्जरी रूम है, लग्जरी रूम है रिवर एंड वैली फेसिंग है, बिग बालकनी। और इस ऊपर जो कैटेगरी आती है वो सूट रूम्स की है, जूनियर सूट की, जिसमें मोस्ट प्रोबली अडल्ट के साथ बच्चे या फैमिलीज अकोमोडेट हो जाते हैं। और सबसे हायर कैटेगरी जो हमारी है वो हनीमून सूट है, जो एक डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस है कि इसमें बाथटब है, इसमें शेयर कर्टेन्स है। अब बाकी आपको पिक्स में देखेंगे आप या वेबसाइट पे चेक करेंगे, फोटोज में चेक करेंगे, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और सबसे एज ये है कि सब रूम में हमारा सेंट्रलाइज एसी एंड हीटिंग कूलिंग सर्विसेज है। देखिए, हमारे को आफ्टर कोविड के बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs और जो नॉर्म्स और रूल्स सर्कुलेट हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने डे वन से हर चीज़ को फॉलो किया है। लाइक जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव है, जिसमें क्लाइंट के जिसे चेकिंग्स होता है उसका सिक्योरिटी में ही टेम्परेचर चेक होना, गाड़ी को सैनिटाइज करना, मास्क पे उनको देना इनकेस कोई कस्टमर लगा के नहीं आता है इनकेस पे, फिर उसको प्रॉपर एस्कॉर्ट करके लॉबी एरिया तक लाना, लॉबी में प्रॉपर टेम्परेचर फिर चेक करना, फिर सैनिटाइज करना, फिर उसके बाद चेक इन प्रोसेस जो कोविड बिहेव से अकॉर्डिंगली होता है। मतलब कि हमने ये रखा सैनिटाइज कीज हम प्रोवाइड करते हैं, लेस कॉन्टैक्ट चेक इन हम करवा देते हैं, शॉर्टेज चीज़ें हम करवा देते हैं, जिससे जो गेस्ट का जो लाइक होता है सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर मेंटेन करते हैं। टाइम टू टाइम पे हमारे एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, वो क्लाइंट को अपडेट करते हैं। हमारे जो स्टाफ मेंबर है वो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव का पूरी तरह से पालन करते हैं। और हमारे पास इक्विपमेंट्स है सारे प्रॉपर्टी में, चाहे वो फ्लोर से रिलेटेड हो, जैसे हाइपोक्लोराइट हम यूज़ करते हैं, जो उसकी क्वान्टिटी होती है जो बताई गई है मैनेजमेंट की तरफ से उसको हम फॉलो करते हैं। सैनिटाइज रूम प्रॉपर होता है, लिनन एक सैनिटाइज लेवल पे निकलता है, प्रॉपर क्लीननेस एरियाज, वो सब चीज़ें सिस्टमेटिकली हम ऑपरेट करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि हम ग्रैंड किचन स्पेशल डिश एवरी डे हमारे शेफ बनाते हैं। उसमें क्या है कि ट्रेडिशनल जो हिमाचल से रिलेटेड कोई फूड है, या कोई राजस्थान का गट्टा करी हुआ, हिमाचल का भटूरे हो गए, छोले हो गए, ये चीज़ें हम बनाते हैं, या साउथ का रसम हो गए, वो हम स्पेशलाइजेशन पे, वो डिपेंड करता है कि क्लाइंटेज कहाँ से, किस रीजन से आया है, कौन से स्टेट से आया है, उस लेवल पे जो ऑक्यूपेंसी होती है उस अकॉर्डिंगली हम उस स्पेशल डिश को देते हैं। और ट्रेडिशनली हमारी जो वह सिड्डू है, भटूरे है, और एक कॉन्टिनेंटल में हमारी 2-4 आइटम्स भी बहुत अच्छी फेमस है, वो भी क्लाइंट रिकमेंड बहुत ज़्यादा करते हैं। और चाइनीज़ में भी हमारे पास बहुत अच्छा शेफ़ है जो कि काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी से काम करके आए। मैं आपके चैनल के थ्रू एक यही कन्वे करना चाहता हूँ मैसेज कि आने वाले टाइम पे स्नोइंग के चांसेस तो देखो हिल स्टेशन में होते ही हैं। इस बार उम्मीद है कि लास्ट ईयर भी अच्छी स्नो थी, इस बार भी होगी। तो स्नो होगा तो मैक्सिमम क्या होता है कि जो टूरिस्ट एरिया जिसी भी रीजन स्टेट से आते हैं उनका मोन फोकस होता है कि विंटर में जाके स्नो को देखना या उसमें इंजॉय करना। तो मैं तो आपके थ्रू यही एडवाइस करना चाहता हूँ हर कस्टमर को कि वो आए, सबसे पहले तो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव का पालन करें, अपने आप को ठीक से रखें, और जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, स्नो से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, उसका भी इंजॉय करें। और ज़रूर आए, मनाली में आए, हिमाचल प्रदेश में आए, किसी भी स्टेशन में आए, ज़रूर आए। उनका स्वागत। दिस इज राजीव व्यास, राज टूर्स, पोरबंदर। दैट इज़ टू कनेक्ट विद द होटलियर्स
and other persons, and to give best packages to the passengers. That's fantastic. That is very good. Fabulous. We have started from Delhi, and then we have been to Amritsar, and then Dalhousie, Manali, Khajiar. We have enjoyed a lot. Yeah, my suggestion is like that. Passengers should come out, and if COVID is in control, then tourism should be explored. मेरा नाम रवि सिंह है और मेरी कंपनी का नाम andamanexperts.com है. बेसिकली हमारे दो लोकेशन पर ऑफिसेस हैं, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड दिल्ली. बेसिकली हम लोग अंडमान निकोबार के लिए DMC हैं और जो बिजनेस मॉडल है वो B2B है. दैट मींस हम मेनली ट्रैवल एजेंट्स की जो क्वेरीज होती हैं अंडमान के लिए वो कैटर करते हैं और प्रोवाइड हम अंडमान एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट जो भी सर्विसेज होती हैं, चाहे वो साइट सींग्स हों, चाहे होटल अकोमोडेशन हों, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हों, जैसे अंडमान स्क्यूबा डाइविंग के लिए बहुत पॉपुलर स्पॉट है. तो जो भी अंडमान एक बार आने के बाद जो भी गेस्ट को चाहिए वो सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं. देखिए अंडमान यूनियन टेरिटरी है और क्योंकि मेनलैंड से 1700 किलोमीटर दूर है तो एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज्म को लेकर के थोड़ा सा अप्रिहेंसिव है. एज ऑफ नाउ टूरिज्म अभी शुरू नहीं हुआ है अंडमान में. एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर कर रहा है सिचुएशन को, वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी टूरिज्म एक्टिविटीज़ डेस्टिनेशन पर रिज्यूम होनी चाहिए. हालांकि अगर मैं टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से कहूँ तो अंडमान की बहुत डिमांड है. हर एक 10 में से एक टूरिस्ट अंडमान जाना चाहता है बिकॉज बीच डेस्टिनेशन है, आइसोलेटेड लोकेशन है, तो लोग जाना चाहते हैं. बट पेंडेमिक पीरियड है, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार अपनी तरीके से कॉल लेगी तो अब वो जो भी कॉल लेंगे हम उनके साथ हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अभी डेस्टिनेशन ओपन होने का. मेरा नाम माही सिंह है, वी आर फ्रॉम दिल्ली एंड मेरी कंपनी का नाम है andamanexperts.com. TLC से हम 2 साल से जुड़े हुए हैं एंड इट इज़ अ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस विद हिम. बाकी जो हम फैम है, अभी पिछले दिनों हम लोग गए हुए थे, क्या कहते हैं अपना, हमने नैनीताल और ये पूरा फैम किया था और ये वाला भी जो हमने अभी कर रहे हैं, हम इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस. देखिए दो चीज़ें हैं. सबसे पहले तो जो मुख्य जो रीज़न है वो यही है कि एक तो आप डेस्टिनेशन एक्सप्लोर कर लेते हो, सबसे मेन पर्पस यही है. एंड उसके बाद अलग अलग लोकेशन से, लाइक महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, गुजरात से भी कुछ लोग हैं, दिल्ली से हैं, जयपुर से हैं, राजस्थान से, अलग अलग रीजन से आ रहे हैं. सो बिकॉज हम लोग काफ़ी लोग B2B मॉडल पे काम कर रहे हैं, जैसे वी आर DMC फॉर अंडमान, सो हम B2B मॉडल पे काम कर रहे हैं. सो उसमें हमें ना मतलब एक इंटरेक्शन, एक नेटवर्किंग काइंड ऑफ हेल्प हो जाता है. सो डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करते करते हम लोग नेटवर्किंग भी कर लेते हैं जो कि हमें अपने फर्दर बिजनेस में हेल्प करता है. सबसे पहले हमने अमृतसर कवर किया था एंड उसके बाद हमने डलहौजी हमने करा और उसके बाद हम डे ट्रिप के लिए खजियार गए एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस, जिसे हम मिनी स्विस बोलते हैं. एंड और अभी हम मनाली में हैं, सो मनाली देख रहे हैं एंड इट्स ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन. हूँ चेतन नरेंद्र भाई परीख, एयरवेज वर्ल्ड ट्रैवल अहमदाबाद थी आवी रह्यो छु अने TLC ग्रुप नी ब्यूटीफुल हिमालय ए ट्रीप में आवी रह्यो छु. અમે અમૃતસરથી અમારી જર્ની સ્ટાર્ટ કરી, એટલે બેઝિકલી દિલ્હીથી સ્ટાર્ટ કરી, પણ દિલ્હીથી અમારું ફર્સ્ટ ડેસ્ટિનેશન અમૃતસર હતું. અમૃતસરની અંદર અમે ગોલ્ડન ટેમ્પલ કર્યું, ત્યાંથી અમે આવી ગયા સીધા ડેલહાઉસી. ડેલહાઉસી એક નેચરલ બ્યુટી માટે ફેમસ પ્લેસ છે, એ આપ સર્વે અને બધા જ જાણીએ છીએ કે નેચરલ બ્યુટી જે છે એમાં ખજિયાર, એની અંદર અત્યારે નેચરલ બ્યુટી ઇનટેક છે. જે બીજી જગ્યાએ નેચરલ બ્યુટીમાં રીડેવલપમેન્ટના કારણે બ્યુટીમાં થોડું ઘણું ડેમેજ થયું હોય એવું છે, પણ ખજિયારની અંદર એ વસ્તુ નથી. ખજિયારમાં આજની તારીખમાં પણ એની નેચરલ બ્યુટી એની એ જ જગ્યા પર છે કે એની અંદર એવરીબડી હેઝ એન્જોયડ ફૂલ્લી. ખજિયાર પછી અમે ડેલહાઉસીને બાય બાય ટાટા કરીને આવી ગયા છીએ મનાલીમાં. મનાલી એ હિમાચલનું એક હાઈ પ્રોફાઇલ ડેસ્ટિનેશન છે કે જેમાં નેચરલ બ્યુટી જબરદસ્ત છે. એમાં અમે સેલોંગ વેલી બાયપાસ છે જોઈ છે,
त्यार पछी जे बीजेपी सरकारनू अने मोदी सरकारनू एक स्वप्न हतुं के भाई अटल टनल एमणे जे बनावी छे एना कारणे आपणी देशनी सिक्योरिटी ने पण घणो फायदो थयो छे अने आपणा देशनी अंदर जे लोको एक जग्याएथी बीजी जग्याए ट्रावेल करी रह्या छे ए 9 કિલોમીટરનો રસ્તો 15 મિનિટમાં ક્રોસ કરે છે અને તમારી 45 મિનિટ બચાવે છે. જે હમણાં જ મેં રિપોર્ટ સિક્યોરિટી ગાર્ડ પાસેથી એમના સિક્યોરિટી ઓફિસર હોય એમની પાસેથી લીધો છે. એ પ્રમાણે એ જગ્યા પર અત્યારે અમે આવી ગયા છે ટનલ ક્રોસ કરીને. અહીંયા લેક છે કે જે લેક પણ ખૂબ જ સુંદર છે અને અમે અત્યારે મનાલીની જે જગ્યા પર આવી ગયા છે ત્યાં અમારી ટ્રીપના દરેકે દરેક મેમ્બર જબરદસ્ત એન્જોય કરી રહ્યા છે, ફોટોગ્રાફી કરી રહ્યા છે અને અહીંયા પણ નેચરલ બ્યુટી ઇન્ટેક્ટ છે. આવા જ અવનવા પર્યટન સ્થળોની મુલાકાત કરાવતા રહીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહો અબતક. નમસ્કાર.